बोला था ना मोदी कि गरीब गाँव है, बड़का गरीबी भगा रहा है, काची करेगा यहाँ नीतीश बैठल, वो कुछ ना करता है, मोदी आएगा करे यहाँ। अरे सरकार भेजता है ना जी, काची काची गरीब के मदद कर रहा है, तो काम मदद हो रहा है, रोड पर बैठाए हुआ है, काची मदद है बिहार में, घर में रखा दे रहा है बना के, किराया लगता है कि नहीं लगता है। तब आवास वाला पैसा नहीं मिला, नहीं वो बने वाला जो कुछ नहीं है, पटना में नहीं मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है, नहीं शौचालय वाला भी पैसा मिलता नहीं है। कुछ नहीं मिला, जिसको घर जमीन है उसको ना मिलेगा, आपके पास वो भी नहीं है। नहीं हम बोले नहीं किराए में रहते हैं। आपको भी पुलिस भगाता है? सबके भगाता है। काहे काहे कहता है मारेंगे डंडा से मार डालूंगा। अच्छा मारने का धमकी लेडीज कहती है ना कि मार डालूंगा, भागो ना तो यहाँ से। अच्छा। और कुछ ही नहीं, भगाता है, भगाता है सिपाही पाई का है? नहीं अब का है, उन लोग का प्रशासन की मर्जी है। अच्छा नहीं लगाने देगा तो जबरदस्ती भी नहीं करना है सिपाही लोग के सामने। अभी हम लोग दानापुर जंक्शन पे हैं और तकरीबन 3:30 सुबह का हो रहा है और आप देख सकते हैं चाची दुकान अभी लगा रही हैं या देरे से लगा ले? यार देरे से लगा ले बता। नमुआ की? नमुआ मन नाम हां, नमुआ पूछ के कहा। अच्छा ठीक है, का दिक्कत है चाची? भगाता सिपाही पाई का है? नहीं अब का है, उन लोग का प्रशासन की मर्जी है। अच्छा नहीं लगाने देगा तो जबरदस्ती भी नहीं करना है सिपाही लोग के सामने। जबरदस्ती भी नहीं, सिपाही लोग की भी नौकरी है, अफसर लोग बोलता है भगा तो भगाने आते हैं, ऐसे तो नहीं भगाते थे। अच्छा ऑर्डर आता है तो भगाता है कि बाबू? ऑर्डर आता है तो भगाता है। हाँ ऐसे नहीं भगाता। अच्छा तो कमाए भी नहीं सुकून से देता? नहीं हम बीमारी आदमी है, पर रहते हैं आके। का हुआ है, कैसे कौन सा बीमारी है आपको? बहुत हार्ड है। क्या है? हार्ड है, अपनी है, अपनी वाला हार्ड है, अपनी है। तो डॉक्टर से नहीं देखिए? दवाई लेके बैठा ले, खाएला भी खाए दवाई। बाप रे भाई इतना ठंडा का समय, बच्चा लेके सुती है अपनी बैठल है। अच्छा ये घर उन्हें है? घर है बेटा, किराया वाला घर है, किराया का घर। किराया नहीं देगा तो निकालेगा नहीं घर से? मालिक मकान निकाल देगा। पति? नहीं डेट कर गए। पति डेट कर गए? कब हो गया? 8 बरस। 8 बरस हो गया, और 8 बरस से मतलब आप खुद ही कमा रही है खा रही है? हाँ। और उस पर भी प्रशासन? हाँ प्रशासन नहीं लगाने देता, नहीं लगाने देता है। तो आपको बीमारी है तो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं दिखाती हैं? सगरवाद का तो पैसा अकेले बउआ, सरकारी में भी पैसा? तब तब जाकर कराओ, जांच कराओ, प्लान कराओ, दुकान को तो करने करने दौड़े। सरकारी में तो फ्री होता है, नीतीश कुमार बोलते हैं, सरकार तो बोलती है, सरकार बोल देता है तो आप नहीं कर रहे हैं तब क्या होगा? अच्छा मतलब सरकार बोल देता है लेकिन सरकारी के जो ऊपर से खर्चा होता है, बिना पैसा का सरकारी में भी इलाज नहीं होता, नहीं होता। और जो कड़वा मिला है जो 5 लाख वाला जो है, मेरा कार्ड नहीं, ना नहीं बना, नहीं बना है? नहीं बनवाने के लिए कोशिश किया था? हाँ किया था बनवाला, नहीं बना। नहीं। राशन मिलता है? हाँ राशन मिलता है, हर महीने मिलता है? हर महीने मिलता है। पैसा उसे मिलता है सरकार की तरफ से? नहीं कुछ नहीं। आयुष्मान कार्ड भी नहीं बनवाया? विधवा वाला भी पेंशन मिलता है? हाँ वो मिलता है विधवा वाला। विधवा वाला कितना मिलता है? 400 हर महीने मिलता है? हाँ हर महीने मिल जाता है। मतलब रात का समय है और आप देख सकते हैं चाची चिमकी बेचती हैं। अगर आप लोग सफर करते हैं तो बैठने उठने के लिए जो सुविधाएं होती है ना चाची? हाँ, बोलना ना। जितने भी लोग जो जिनका ट्रेन लेट हो जाता है वो यही चिमकी खरीदते हैं और उनको भी कहीं ना कहीं ये सुविधा देती हैं, लेकिन प्रशासन नहीं बेचने देता है और नहीं सही से कमाने देता है। ये विधवा औरत हैं, कमाने का कोई जरिया नहीं है, हपनी की बीमारी है और ये ठंडा का समय है। ठीक है ठंडा के समय में भी रात के समय में ये दुकानदारी कर रही हैं अपना पेट चलाने के लिए, और उसके बावजूद आप सुन रहे हैं और आप देखिए हमारे पीछे किस तरीके से अपने बच्चों को ढककर सुलाई हुई हैं। कंबल उंबल नहीं मिलता है सरकार कोई मतलब देता नहीं? अब दे आएगा, देता है, देता है। अब जारा के दिन आता है तो आयुष्मान कार्ड काहे नहीं बना लेती हैं? 5 लाख का इलाज मुफ्त है उसमें। अभी नहीं बन रहा है ना? बन रहा है, हर टाइम बनता है। एम्स में जाइएगा तो एम्स में भी बनेगा, और किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहाँ इलाज कम पैसे में या फ्री में होता है। आपसे कौन पैसा लेता है, कौन अस्पताल में आप गई थी? सरकारी में नहीं होता, मर जाएंगे तो प्राइवेट से जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं कि मर जाएंगे तो प्राइवेट से इलाज कराते हैं। अच्छा अब हालत नहीं देख रहे हो हमको?
हम कल जांच कराएंगे 1100 रुपया के, 15 दिन बाद जांच लिख दिए डॉक्टर। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराइएगा तो जान चल जाएगा, अब प्राइवेट में जान बचाने के लिए इलाज कराती तो क्या करी। हाँ बोला प्राइवेट में तो ज्यादा पैसा लगता है। हाँ लगता है, सरकारी में कम पैसा लगता है इसीलिए इलाज अच्छा नहीं होता। देखिए भाई गरीब आदमी है, हपनी की बीमारी है, बच्चा कितना है आपका? बच्चा नहीं है। हाँ बच्चा नहीं है। ये कौन है? ये लड़की के लाइफ बच्चा है, मर गया इसका माता लेके रखते हैं। अच्छा इसका भी माता मर गया, मतलब आपका कोई बच्चा नहीं, नहीं है नहीं। आप अपने नाती को रखी हुई है? हाँ, अच्छा देखिए भाई ये हाल हमारे बिहार का है और दानापुर हम लोग यही हाल है। गरीब अमीरी बोलता था कि गरीब भगाएंगे, ये गरीबे के भगा रहा है क्या है? बोला था ना मोदी कि गरीब भगाएंगे, बड़का गरीबी भगा रहा है। मोदी जी कुछ नहीं करते हैं, काची करेगा यहाँ नीतीश पटेल कुछ नहीं करता है, मोदी आएगा खड़े है यहाँ। नीतीश के लिए कौन करता था? अरे सरकार भेजता है ना जी, काची काची गरीब के मदद कर रहा है तो काम मदद हो रहा है, रोड पर बैठाए हुआ है काची मदद है बिहार में, घर में मकान दे रहा है बना के किराओ, किराया लगता है कि नहीं लगता है? तब आवास वाला पैसा नहीं मिला? नहीं वो बने वाला जो कुछ नहीं है, पटना में नहीं मिलता है, यहाँ यहाँ नहीं मिलता है, नहीं शौचालय वाला भी पैसा मिलता नहीं है। कुछ नहीं मिला, जिसको घर जमीन है उसको नहीं मिलेगा। आपके पास वो भी नहीं है? नहीं हम बोले नहीं किराए में रहते हैं। किराया में रहती हैं भाई, अपना पेट चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए रात हो या दिन हो, एक रात एक दिन इनके लिए बराबर है। और पटना दानापुर रेलवे स्टेशन पर ये बेचती हैं, आप देख सकते हैं ये ब्रश है, ये साबुन है, कॉलगेट है, ये चिमकी है, इस उधर भी लेना विकलांग है। अच्छा वो विकलांग है, अच्छा वो वहाँ पर हम अब वहाँ चलते हैं। और ये विकलांग हैं, आप क्या क्या बेचती हैं? चिबावे वाला काची लजा रही हैं जी, चिबावे वाला गुटका है, सीकर है। अच्छा आप विकलांग हैं? ना ना तो वो बोली नहीं ऐसी थोड़ा। आपको भी पुलिस भगाता है? सबके भगाता है। का है का है कहता है मारेंगे डंटा से मार डालूंगा। अच्छा मारने का धमकी लेडीज कहती है ना कि मार डालूंगा भागो ना तो यहाँ से। अच्छा। और कुछ ही नहीं भगाता है। इतना रात के समय में बेच रही है, का है दिन में नहीं बेच पाती? दिन में नहीं, सब दिन में बहुत रहता, छप्पर फाड़ के रहता। अच्छा छप्पर फाड़ के क्यों, कौन रहता? पुलिस भर लेता है, रात में कोई नहीं रहता, चोरी हो रहा है। और कितना कमा लेती है? कितना कमाएंगे, 400-500-600 मतलब गुजारा हो जाता है इतना महंगाई में? 400-500 खा लेते हैं। हाँ जितना भाग से पूरा पन्नी बिक जाएगा ना तो बहुत सा पैसा हो जाएगा। अच्छा। चलिए देखिए ये हाल बिहार का है भाई, ऐसा हम नहीं ये बिहार की जनता कह रही है। नीतीश की सरकार में, सुशासन बाबू की सरकार में गरीबों का बुरा हाल है, ये तो अब हकीकत सामने आ रहा है। और हम लोग पटना दानापुर रेलवे स्टेशन पर हैं और ये दो महिलाएं थीं जो अपना पेट काटने के लिए रात के समय भी रात दिन एक कर देती हैं। अच्छा रात दिन एक करती हैं और 400-500 रुपया ही कमाती हैं, उसके बावजूद जो पुलिस प्रशासन है वो इनको मना करता है दुकान लगाने से, मारने का भी धमकी देता है, तो क्या करें ये लोग? सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं, खुद अगर कोशिश करते हैं तो प्रशासन धमकी देती है, तो आखिर क्या करें ये लोग, कहाँ जाएं? ये सब बिहार की हैं और ये वही लोग हैं सुशासन बाबूजी जो आपको वोट देती हैं, ये वही लोग हैं जिनके बदौलत आप कुर्सी पर बैठे हैं, ये वही लोग हैं जिनसे आप वादा करते हैं कि हम गरीबी दूर करेंगे, हम गरीबों के नेता हैं। ये देखिए गरीब का हाल है, ऐसा हम नहीं ऐसा आपकी जनता कह रही है जिससे आप वादे करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, कैमरामैन केशव के साथ अमान, धन्यवाद।